हॉलीवुड टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास और आज हम आपको बताने वाले हैं वो आखिरी शब्द जो लता मंगेशकर जी के दिल से निकले। वो क्या कह रही थी उस वक्त जब वो इस दुनिया से रुखसत होने वाली थी। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में मौत से बढ़कर कुछ भी सच नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी ब्रांडेड कार मेरे गैराज में खड़ी है, लेकिन मुझे यहाँ व्हील चेयर पर बिठा दिया गया है। मेरे पास दुनिया के हर डिज़ाइन और रंग के महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे सामान, सब कुछ मौजूद है, लेकिन आज मैं इस छोटे से गाउन में हूँ जो कि मुझे अस्पताल वालों ने दिया है। मेरे बैंक खाते में पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा घर भी एक महल जैसा है, लेकिन मैं अस्पताल के एक छोटे से बिस्तर पर लेटी हूँ। मैं दुनिया भर की कई 5-सितारा होटल्स में घूम चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे अस्पताल की एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला में भेजा जाता है। वो भी एक वक्त था जब मेरे बालों को संवारने के लिए 7 तरह की हेयर स्टाइलिस्ट हमेशा मेरे बालों की सफाई करती थी, लेकिन आज मेरे सिर पर उतने बाल भी नहीं हैं। मैं दुनिया भर के अलग अलग 5-स्टार होटल्स में खाना खाया करती थी, पर आज तो दिन में 2 गोली और रात को 1 बूंद नमक ही मेरा खाना है। मैंने अलग अलग हवाई जहाज़ों पर दुनिया भर में यात्रा की थी, लेकिन आज मैं मेरी मर्जी से बरामदे में भी नहीं जा सकती। इसके लिए भी मुझे 2 लोग उठा कर ले जाएं तो बात बनती है। जमाने भर का ऐशो आराम मेरी मदद नहीं कर पा रहा। मुझे किसी भी तरह से आराम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ अपनों के चेहरे, उनकी दुआएं, यही चीज़ें हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं, और यही तो जीवन है। आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, आप खाली हाथ ही निकलेंगे। हमें दयालु बनना चाहिए, जो भी हम कर सकें वैसी मदद हमें औरों की करनी चाहिए। जिनके पास पैसा और पावर है, ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। आप अपने लोगों से प्यार कीजिए, भले ही वो आपके लिए भला बुरा ही कहते हों, पर आप तो उनकी सराहना कीजिए। पूछिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। किसी को दुख मत दीजिए। अच्छे बनिए, अच्छा करिए, क्योंकि वही आपके साथ जाएगा। बॉलीवुड टॉकीज में ये शब्द थे लता मंगेशकर जी के, जो कि वो अपने अंतिम समय में सबसे कहना चाहती थी। बीवी का टीवी बॉलीवुड टॉकीज में बॉलीवुड की बहुत सी बातें जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को अगले एपिसोड तक के लिए। तब तक के लिए डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।